भिवंडी पूर्व केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल के घर पर गणपति बप्पा का दर्शन। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के पूर्व केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल के घर पर गणराज्य विराजमान। हर वर्ष की तरह वर्ष भी पूर्व मंत्री कपिल पाटिल के घर पर गणपति बप्पा दर्शन करने भक्त आए। आज गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना करके आरती पूरे परिवार के साथ की गई। बप्पा का आशीर्वाद लेने के बाद देश के सभी गणेश भक्तों को शुभकामनाएं दी गई। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने बप्पा का जो आगमन हुआ है, जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी आपने अपने घर में गणपति बप्पा को विराजमान किया है, क्या भिवंडी लोकसभा के लोगों को, नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे देशवासियों को मैं गणपति बप्पा के आगमन की शुभकामनाएं देता हूँ। गणपति बप्पा से प्रार्थना मैंने की है और करता हूँ कि समाज में विघ्न संतोषी लोग जो है उनको सुबुद्धि दे, किसी के ऊपर भी विघ्न ना आए, ऐसा आशीर्वाद गणपति बप्पा सभी को दे। और गणपति के चरणों में लीन होने के बाद सही मायने में ऐसा एहसास होता है कि समाज में जो कुछ संतुलन अभी बिगड़ा हुआ है, वो संतुलन को सही करने के लिए गणपति बप्पा का आगमन हुआ है। और निश्चित तौर पर गणपति बप्पा सभी लोगों का विघ्न हरण करके उनको आशीर्वाद, अच्छा आशीर्वाद देके उनके घर में सुख शांति और समृद्धि लाने का काम निश्चित तौर पर गणपति बप्पा के माध्यम से होगा। इस तरह इस वर्ष भी गणपति बप्पा का आगमन आपके घर में हुआ है, क्या विशेषता है और किन किन लोगों को आपने आगमन के लिए निमंत्रण दिया है? आज संपूर्ण भारतवर्ष में गणेश उत्सव और गणपति बप्पा का आज आगमन हुआ है। आज हमारे घर पे भी हमारे घर के गणपति बप्पा का आज आगमन हुआ है। आज बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी का माहौल पूरे भिवंडी शहर, थाना जिला, महाराष्ट्र, पूरे देश में आपने देखा होगा कि गणपति बप्पा का उत्सव, सबसे बड़ा उत्सव ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो आज मेरे तरफ से, माननीय मेरे परिवार की तरफ से सबको गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस गणेश उत्सव में आने वाले 10 दिन लोगों को विनंती करूँगा कि पर्यावरण और इसको संभालते हुए जो मूर्तियाँ लोगों ने इस टाइम जो बनाई, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रीन गणेशा आप लोग भी मनाए, ऐसे मैं सबको विनंती करूँगा और पर्यावरण का लक्षण करूँगा, ऐसे मैं गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।